विशेष चेतावनी, वो भी राशिफल पढ़ने वालों के लिए। अरे यहाँ, हाँ देखो यहाँ कहाँ लिखा है कि जिन लोगों के नाम र और छ से शुरू होते हैं, आज उन्हें किसी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए, एक्सीडेंट का खतरा है। हे बंसी वाले, र और छ वालों को बचा लेना। बंसी वाले हम बचाएंगे ही ना। हे बंसी वाले, मामा जी, क्या मामा जी की जान को खतरा है? कैसे? अरे मम्मी, मतलब तुम भूल गई, आज मामा जी देहरादून जा रहे हैं और मामा जी का नाम र और छ दोनों से शुरू होता है। हाँ, र से रणवीर, छ से छुट्टन। दिखाओ हमें, हम पढ़ लेते हैं। कहाँ कैसे पढ़ोगे, तुम्हारे पास चश्मा नहीं है? मैं बोल रही हूँ तो मेरी बात तो नहीं सुन रही हो। सॉरी, अब क्या करें, कैसे बचाएंगे? क्या करेगी बंसी वाले कुछ तो बताओ। हाँ? मम्मी, हाँ? मामा जी की जान अब तुम्हारे हाथों में है। हमारे? कैसे? अरे ना वो हम में से किसी की बात कभी सुनते हैं, ना वो राशिफल वगैरह में विश्वास करते हैं। हाँ। वो सिर्फ तुम्हें मानते हैं। हाँ 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 हाँ, देखो अगर तुम मामा जी के पास जाती हो और उन्हें प्यार से कहती हो छुट्टन छुट्टन मत जाओ, तो 100% गारंटी है कि मामा जी रुक जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही आलिया, आज हम छुट्टन को छूटने नहीं देंगे। हाँ? मतलब जाने नहीं देंगे। हाँ। अभी रोकते हैं। छुट्टन भागो। राबिया, तेरा आइडिया काम कर गया। अब मम्मी अगर मामा जी को रोकेंगी तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ओ, तो ये आइडिया इस्तेमाल कर रही है आलिया मामा जी को रोकने का। छुट्टन। अरे हाबा, तुम जाने के लिए तैयार हो गए? हाँ, वो 11 बजे की ट्रेन है और इस बार मैं फिर से ट्रेन छोड़ना नहीं चाहता, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ। मेरा दिल टूट जाएगा ना। बोलो अबा, बोलो, बोल दो तुम ये चाहती हो कि मैं रुक जाऊं, वरना तुम्हारा दिल टूट जाएगा। अरे ये तो गलत समझ रहा है, लेकिन क्या करें, अगर कहेंगे कि ऐसा नहीं है तो ये चला जाएगा, और अगर चला गया तो इसका एक्सीडेंट होना पक्का है। नाना छुट्टन, समझो कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। नहीं, हम चाहते कि तुम ना जाओ। हाँ? हाँ। हाँ। ठीक है, तो मैं नहीं जाता, लेकिन मेरी एक शर्त। शर्त? और शर्त यह है कि तुम मेरे साथ गार्डन में चलोगी, जहां हम दोनों मिलकर कैंडी फ्लॉस खाएंगे। कैंडी फ्लॉस? क्योंकि क्रिसमस के लिए सांता क्लॉस, लाउड म्यूजिक के लिए पॉज, और दो धड़कते दिलों के लिए कैंडी फ्लॉस बहुत जरूरी होता है। अब बोलो भाई, मंजूर है तो कहो, वरना मैं तो चला। मंजूर है, मंजूर है, हम खाएंगे ना तुम्हारे साथ कैंडी फ्लॉस, तुम मत जाओ। बिल्कुल सही कह दिया तुमने मामा जी। वो बाहर टैक्सी रेडी है, चले। वो आलोक बेटा, बात यह है कि तुम तो जानते ही हो मैं कितने सालों बाद यहाँ पर आया हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं एक और दिन रुक ही जाता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो एक दिन और रुक रहे हैं। तारा मेरी जान ले लेगी। हाँ भाई, कुंवारे वकील, क्या हुआ, कोई केस मिला? बोनी हुई कि नहीं? हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। असली हो या नकली, हड्डी हो या पसली, सब कुछ तुड़वा लेंगे, लेकिन अपने माथे से ये कुमारे वकील का कलंक मिटा के रहेंगे। क्या बात कर दी है ये? अरे बच्चों, तुमको समझ में नहीं आता? दिन रात मस्ती करते रहते हो। जाओ क्लास में पढ़ाई करो। जाओ। क्या हो रखा है यार यहाँ पर? क्या हुआ जालिम सर? राजेश सर, आप ऐसे उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हैं? जालिम, अरे जालिम लग नहीं रहे, उखड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बत ही उखड़ने वाली है। अरे हमारी आशिकी के प्रेशर कुकर की सीटी वो पहलवान बजने ही नहीं दे रहा। सुना है शालिनी जी का रिश्ता उनकी मर्जी के बिना कहीं और तय कर दिया यार। अरे वाह वाह वाह, तुमने तो बहुत बुरा किया उसने आपके साथ। ऐसा कैसे कर सकता है? कब तक आप जुल्म सहेंगे उस डायनासोर का? डायनासोर लम्बू ट्रिपल टॉक। राजेश सर, आप मेरी सलाह मानिए, उस पहलवान पे आप केस कर दीजिए। केस? हाँ, उसने अपनी बालिग बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और कर रहा है, और आप पे भी कई बार उसने जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। क्या क्यों टेंशन ले रहे महाराज? चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। जय नंदन LLB लड़ेगा आपका केस, जिसे देखा है सारा देश। लेकिन नंदन, लेकिन 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 कब तक लेकिन करते रहेंगे आप? वो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर देगा और आप कहते रहेंगे लेकिन 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 क्या लेकिन? जिसे बननी चाहिए थे आपकी हीर, वो किसी और को अपने हाथों से खिलाएगी खीर, और आप कहते रहेंगे लेकिन लेकिन। राजेश सर, मैं तो कहता हूँ आप खाइए मोहब्बत की काजू कातली और पहलवान की हालत कर दीजिए पतली। तुम सही कह रहे हो नंदन, ये राजेश करेगा उस पहलवान पर केस। अब मुलाकात होगी अदालत में, ठीक है? बस शाम को आप वकालतनामे पर साइन कर दीजिए कि आप मुझे अपना वकील नियुक्त करते हैं, ठीक है? आप मेरे दोस्त हैं, अपने हिसाब से जो श्रद्धा बने वो नहीं करा दी, ठीक है? शाम को कॉलोनी में मिलते हैं। लगता है हमारी बोली इन्हीं ना। हाँ, आंटी जी। आज का न्यूज़पेपर। हाँ बेटा, रख दो। मुझे पता है आंटी जी कि जब तक आप राशिफल नहीं पढ़ती आपको चैन नहीं आता। हाँ हाँ, तो लीजिए ना, पढ़ी ना। ना बेटा, आज तो हमको आलिया ने पढ़ के सुना दिया। हाँ, अच्छा, ऐसे कैसे सुना दिया? क्योंकि आज तो न्यूज़पेपर वाला आया ही नहीं, और उसने किसी के घर में न्यूज़पेपर दिया भी नहीं है, और ये तो मैं स्पेशली आपके लिए चौराहे से लेकर आई हूँ। है सच्ची? आज किसी के घर अखबार नहीं आया? आया होता तो आपके घर नहीं आता। अरे मुझे लगता है कि आलिया से ना गलती हो गई है। हाँ, उसने कल के न्यूज़पेपर को आज का न्यूज़पेपर समझ के, और कल के राशिफल को आज का राशिफल समझ के सुना दिया होगा। कोई बात नहीं, इंसानों से ही गलती होती है। लीजिए, अब पढ़ लीजिए। राशिफल, राशिफल, ये रहा राशिफल। अरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। क्या कि र और छ अक्षर के लोगों को आज यात्रा नहीं करनी चाहिए। कल का राशिफल तो हमने पढ़ा था, कल भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो आलिया ने हमको कौन सी राशिफल पढ़ के सुनाई? लो, इस चक्कर में हमने छुट्टन को जाने से मना कर दिया। आज बेचारे का ट्रेन था, अब क्या करें? आप चिंता क्यों कर रही है? आज रात की एक और ट्रेन है 9 बजे की। आप कहे तो मैं टिकट बुक कर देती हूँ, आपको PNR दे दूंगी, आप मामा जी को दे देना। हाँ, ये ठीक होगा। मैं अभी बुक कर लेती हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज शाम को तो कैंडी फ्लॉस खाने जाना ही होगा। लेकिन आलिया ने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा क्यों कहा? हाँ हाँ, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा क्यों? हाँ, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता है कि मामा जी के दिल में आपके लिए स्पेशल जगह है, तो अगर आप उन्हें कहोगी तो वो ना नहीं कह पाएंगे। लेकिन तुम उनको क्यों रोकना चाहती हो? क्योंकि मम्मी, जब तक मामा जी रुके हुए हैं तब तक आलोक मेरे पास है, और जैसे ही मामा जी चले जाएंगे मैं आलोक से फिर से दूर हो जाऊंगी। और तारा का क्या? वो बेचारी तो आज भी मानती है ना कि आलोक उसका पति है, और उसे तो यही बताया गया था कि मामा जी सिर्फ एक रात के लिए आए हैं। तुम अपने स्वार्थ में ये भी भूल गई कि उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। मम्मी, बीत मुझ पे रही है। एक तो वो लुटेरन मेरा पति लूट कर बैठी है, ऊपर से मेरा पति मुझसे ही उठा हुआ है। मम्मी तुम नहीं जानती, तारा बहुत चालू है। बस आलिया, तुम फिर उस बेचारी पर इल्जाम लगा रही हो। तुम जानती हो ना वो बीमार है, जिसका कारण तुम हो। उसके साथ आज तक जो भी हुआ है सबकी जिम्मेदार तुम हो आलिया। मम्मी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जिस लड़की को तुम बेचारी समझ रही हो वो असल में अत्याचारी है। चुप करो आलिया, हमें और कुछ नहीं सुनना। अरे यार, हमें मम्मी को कैसे समझाऊं कि अपनी बेटी की खुशियों पे डाका डाले। जिस लड़की को वो संत समझ रही है वो एक नंबर की चंड है। हेलो, हाँ 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 राबिया, आ रही हूँ, निकल रही हूँ, आ रही हूँ स्कूल, बाय। मान गई तुम्हें, तुमने मामा जी को आज भी रोक ही लिया, एंड आलोक को भी। ये तो सिर्फ एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तुम देखना तारा, एक दिन बहुत आलोक फिर से मेरा हो जाएगा। वेल, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल तो आलोक तुमसे इतना नाराज है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी भी माफ कर पाएगा। पर कोशिश करते रहो। ऑल द बेस्ट। आलोक, मुझे आलोक, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरा मतलब तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलना बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत पहले तुम्हें बता देना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आलोक मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बेबी, ये आलिया तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़ी है? आलिया, क्या हुआ? कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताओ। अरे ये तो चली गई। बेबी तुम तो कुछ बोलो, वो हाथ जोड़ के क्यों खड़ी थी? अब इसको क्या बताऊं? क्या हुआ है? कहाँ फंस गया हूं मैं यार? तुम चुप क्यों हो? वो ऐसे तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी नहीं हो जाएगी ना। बताओ क्या बात है? वो तारो भी एक्चुअली आलिया ये कह रही थी कि क्या कह रही थी कि वो एक दिन मामा जी के सामने नाटक और करना चाहती है, क्योंकि मामा जी आज रुक रहे हैं ना यहाँ पे। क्या? क्यों? बेबी ये तो गलत बात है ना। तुमने मुझसे कहा था कि मामा जी एक दिन में चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए, और फिर जब आज मामा जी जा रहे थे तो तुम कह रहे हो कि मामा जी नहीं जा रहे। सॉरी तारो बेबी, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब मामा जी नहीं जा रहे तो उनको ये नहीं बोल सकता ना कि जाओ यहाँ से मामा जी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे और मम्मी जी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। स्कूल अब तुम्हें क्या पता बेबी कि आज रात ही मामा जी की विदा यहाँ आगरा से होके रहेगी। टेंशन मत लो। रखिए। कहो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हेलो, तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? मैं छुपी हुई थी दीवार के पीछे, उसके जाने का वेट कर रही थी। बोलो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? आलोक, बोलो ना। आलोक आलोक आलोक, बोलो ना, तुमने मुझे माफ कर। आलोक, क्या तुमने उस राशिफल के चक्कर में मुझे रोक लिया? और इसमें मेरी ट्रेन भी छूट गई। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे ये तो पता चला कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। नाना छुट्टन, ये है आबा, मैंने बचपन से तुम्हें पसंद किया, जवानी में तुमसे प्यार किया। एक बात सच सच कहना आबा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए आज तक कभी भी प्यार की घंटी नहीं बजी? सच बोलना, तुम्हें मेरी कसम। सच कहें छुट्टन, तो हम भी तुम्हें पसंद करने लगे थे, लेकिन बाबूजी के खिलाफ हम नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने जिससे कहा हमने उसी से शादी कर ली। वो जो तुम्हें छोड़कर भाग गया? हाँ, चला गया। और तब से ना हमें ये शादी, प्यार, ये सबसे विश्वास ही उठ गया। तुम्हारे जाने के लिए तारा ने आज रात की ट्रेन की टिकट करवा दी। ठीक है? ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा आबा, लेकिन अब की बार मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। छुट्टन भैया, आप कब आओगे? रोहन की शादी पे? अरे नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ, आलोक बेटा, आलिया, चलता हूँ, बाय। अरे सुखी रहो। चले? चलो बाय। चलो। हेलो आलिया, मिलना था तुमसे। ओह माय गॉड, आलिया आलिया आलिया। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा, सच में। देखो, फाइनली मामा जी चले गए और साथ में तुम्हारी सारी उम्मीदें भी ले गए। लेकिन अब तक तुम आलोक को मना नहीं पाए, और आलोक तो तुम्हें माफ भी नहीं करने वाला। अब क्या होगा? अब आलोक के साथ मैं रहूंगी, और आलोक तो तुमसे बात भी नहीं करने वाला। मिलना तो बहुत दूर की बात है। Hey, you know what? तुम्हें ना अपना नाम अब आलिया से विरहन रख लेना चाहिए, सीरियसली। Oh no, wait. बेचारी, परफेक्ट। तुम अपना नाम बेचारी रख लो, क्योंकि बाजी जीतने से पहले ही तुम हार गई। अब सच में तेरा क्या होगा आलिया? तारू बेबी, आई एम रियली हैप्पी। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मामा जी ऐसे खुशी खुशी विदा हो गए और तुमने भी मेरी बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। हाँ, कैसी बात कर रही हो बेबी, हम दोनों अलग है क्या? तुम्हारे मामा जी मेरे मामा जी, तुम्हारी मम्मी की खुशी मेरी खुशी। वेल तो अब क्या सोचा है? किस बारे में? इसी बारे में कि देखो ना अब मामा जी चले गए हैं तो कायदे से अब मुझे अपने घर वापस आ जाना चाहिए और आलिया को यहाँ अपनी मम्मी के घर। और वो तारा कह रही होगी आलोक से कि आलोक जाओ और आलिया से कहो अभी अपना बैग उठाए और वापस अपनी मम्मी के घर जाए। तो जाओ बेबी, आलिया से कहो कि वो अपना सामान उठाए और यहाँ अपनी मम्मी के घर वापस आ जाए। और आलोक के पास भी कोई रास्ता ना होगा, वो भी कह रहा होगा। हाँ तारू बेबी, मैं अभी जाके आलिया से कहता हूँ कि वो अपने घर वापस जाए। ठीक है तारू बेबी, मैं अभी जाकर आलिया से कह रहता हूँ कि वो घर वापस आ जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.